का सारा सिस्टम पार देंगे छोरे पुनाए पुना पगार का काट लेंगे। सुबह सुबह जल्दी 5:30 बजे निकल चुके हैं असला बारूद लेके, सामान सुमान लेके महाकाल मंदिर उज्जैन ट्रिप शुरू हो चुकी है। शुरुआत हुई है पैदल से, आगे देखो क्या क्या सिस्टम बैठता है। टाटा डेढ़ घंटे के अंदर अंदर जयपुर गालती है हमारी स्लीपर बस। वैसे 4 घंटे में गालती है लेकिन अब 1.5 घंटे में गालती है। की वजह से अर्टिगा ले लिया एक। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, ट्रेन छोड़ो, एयरप्लेन छोड़ो और बस छोड़ो, आप अर्टिगा ले जाओ। तो वीरेंद्र के पापा ने, वीरेंद्र भाई पापा ने एक अर्टिगा भेज दी कि गाड़ी लेकर जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस पैसे टके की कमी हो तो बता देना। हाँ चल झूठा, कपिल भाई साथ में तुम्हें पैसे भेज दूंगा। ये कहानी है, बाकी जयपुर से निकल चुके हैं उज्जैन के लिए। कोटा में मिलेंगे भाई मोहन गुजर से फ्रॉम भरतपुर और आगे जाते हैं क्या सिस्टम रहता है। पट भाई की वजह से हम गलियों में डोल रहे हैं जयपुर की गलियां, तो बिल्कुल ही वो है पिछड़ी हुई गलियां है, क्योंकि भाई को गूगल मैप का वो मीटर मुटर वाला सिस्टम पढ़ना नहीं आता कि कैसे मीटर सिस्टम काम करता है, कितने मीटर पे लेफ्ट घूमना है कितने मीटर पे राइट घूमना है। इसी वजह से भाई थोड़ा 10वीं में फेल होते होते ग्रीस लग गए, बच गए थे। देख बड़ मिलता था तो भाई जैसे तैसे करके आखिरकार आई भी मिल ही गया, नहीं तो जयपुर की नहीं गलियों में घूमते घूमते हमारा सिस्टम सेट हो जाता। और अब हाईवे पर चढ़ चुके हैं, दिखाता हूँ सिस्टम। हाईवे पर चढ़ चुके हैं, सारे भाई के मन में उत्साह बना हुआ है। Yeah. सारे निकले रात में गेटी ये काटे ने चेटी ये हाथ में काडल बैग गल के लौंडे ये गम के नोटा के मामले मैटर ने थामले रे मामे ना करते कलेस घर से ना करते अरेस्ट इंगे कुआ ना डरते फिर रे बेके पलाट तो बक्से भर रे तो खर्चे बड़े दादा के लाडल ठाट से खाट पे कटे धरे छाती पे ताके पे बिगड़े जे बात ने गुद्दी पकड़ के ये करते परे चर्चे बड़े पता करे ने सपाई है बाटी है वाना नागर का ऊंचा घराना डरते न यादव के घर पे ठिकाना है दिल्ली से नोएडा के भाइयों को गाना देखते ना छत सर में सुराख सीधा गन से पता कौन बदमाश मांगे घर में हो राख भी हमसे जेब में पेटी से गाड़ी तो खेचते कोट में पेशी से पार्टी में कैडी से काटते खेचते नाक में तेजी से आड़ते चैन कलेजे में तेरे चांद को खेच के तार दूं गोदी में किस्टल पिस्टल काड़ दूं जो जी। पहला स्टॉप लिया है एक ढाबे पे उज्जैन जाने के रास्ते में, मतलब कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ती है एक जगह जहाँ पे हमने थोड़ा सिस्टम सेट कर रखा है। घर वाले देखते हुए लोग को ना दिखा देते क्या सिस्टम था। जय श्री राम। तो भाइयों चाय आ चुकी है, देख सकते हो गरम गरम चाय है सिस्टम में। दिमाग आएगा क्रैक नोट का भरे बैग नीचे नीरे जैग जैग मरे ड्रैग छोरे सारे बैग देख मरा स्वैग छोरी अट्रैक्ट आगे छोरे बैडी आगे छोरे ये है कि अब थोड़ा हवा हुआ करवाने के लिए रुक गए हैं कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दूर। बाकी अब कोटा जाएंगे, एक अपना भाई है मोहन गुजर फ्रॉम भरतपुर, भाई को पिकअप करेंगे, बाकी फिर जाएंगे उज्जैन के लिए सीधा निकलेंगे। थोड़ी देर के लिए भाई के पास रुकेंगे, थोड़ा रोटी पानी का सिस्टम करेंगे, फिर सीधा उज्जैन निकलेंगे। जय श्री राम। निकला बनाना पड़ेगा फिर लोग क्या करें हैं।
ये मनीष मैनपुर जो भाई थोड़े दिन पहले रिश्तेदार के हाथों पकड़ा गया था उखा पीते हुए, और ये अपने भाई वीरेंद्र है, ये वकील जी से कह के नहीं आया सिस्टम। बाकी ये भी भाई भी पकड़े जाएंगे, इनके भी थोड़े काले कागज होने वाले हैं। भाई हम आ चुके हैं कोटा, कोटा के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी करके, वहाँ पे अपना भाई पढ़ता है। तो भाई के रूम पे आ रखे हैं, आपको रूम टूर दे देते हैं। ये अलमारी का सिस्टम, ये कुर्सी का, ये टेबल टूबल का, और बस इतना सिस्टम है यहाँ पे। उधर कुछ अलग सिस्टम है, दिखाने लायक नहीं है, वो सिस्टम ही दिखाते हैं आपको। बाकी थोड़ी देर में यहाँ से चलते हैं, रोटी राटी खा के फिर यहाँ से निकलते हैं बढ़िया तरीके से, और उज्जैन जाके आपको बढ़िया बढ़िया सीन दिखाते हैं, महाकाल जी से मिलाते हैं आपको। थैंक यू भाई, हम कोटा से निकल चुके हैं अपने प्यारे प्यारे मोहन भाई को लेके, और अब हम जा रहे हैं सिस्टम सेट करने वहाँ पे महाकाल के मंदिर, वहाँ पे आशीर्वाद लेंगे महाकाल का, और उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करेंगे। बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद। तो भाई 4:30 बज गए फिक्स, आप देख सकते हो टाइम। बाकी 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही, बताई मोहन भाई बता रहे कि मैं तो सो गया था, वहीं से सोए थे और अब तक सोते हुए आया था, क्योंकि दिन को भैया यार वो भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए थोड़ा ब्लॉग करने की या मंदिर में दर्शन करने की। मोहन भाई अब बढ़िया अपने मस्त तरीके से नींदों में रहेगा सारे दिन। बाकी उज्जैन जाके मंदिर जाके आपको लाइन में लग के दर्शन करके सिस्टम सेट करते हैं, नदी वदी में जाएंगे जाते ही। तो भाइयों इन मंदिर उज्जैन बचा है लगभग 8-9 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान लो। बाकी जब से फिर चल ही रहे थे गाड़ी में, अब जाके मंदिर के दर्शन दर्शन करेंगे, थोड़ा सा माहौल सेट करेंगे। लेकिन मोहन भाई की जगने की शक्ति की मैं दाद देता हूँ कि सारी रास्ते जगे रहे, दास्तान सुन रहे थे, दास्तान सुन रहे थे, इमेश रेशमिया का गाना सुन रहे थे, मोहब्बत की दास्तान। एक हसी राती दिन में अलग ही दास्तान चलेगी देखना। अभी भाइयों हम ऑन द वे हैं कि क्या सिस्टम देखते हैं कितनी क्या भीड़ होती है। वैसे वीरेंद्र भाई बता रहे हैं कि लगभग 5,000 आदमी की भीड़ तो रहती है, लेकिन हमें थोड़ी आशंका लग रही है कि भीड़ आज कम ही होगी क्योंकि हम आए हुए हैं। वीरेंद्र भाई लगभग आपको क्या लगता है कितनी क्या भीड़ लग सकती है? अपना नंबर आओ 45 मिनट, 45 मिनट में 45 मिनट नंबर आएगा। तो ये बिल्कुल गलत वो है क्योंकि मैं जानता हूँ इसका सारा प्रेडिक्शन, इसको जितनी भविष्यवाणी सारी गलत निकलती है। सिंगल गाड़ी चल रही है, भीड़ होती तो भाई पूछ ले उठ जा जा, हम के करी गाड़ी अब तो दास तो सुनता है, ये बात भी है, जनता थोड़ी ना दास तो सुन रही थी। उम्मीद ले ली थी मैं पंडो कर धाम चला मिलेगा कि मैं होटल स्टे करांगा, अगली बार जाएंगे जब मिल जाएंगे हम, फिर मेरी सारी टूट गई थी। ऐसे मत बोलिए, गाड़ी ने भी गाड़ी इस जाति ऐसे ऐसे मत बोलिए, इस जाति के लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं। गाड़ी भी नहीं मिलेगी आपको, देख सन्नाटो तो हिसाब से ही लाग ना रही उज्जैन है। हाँ और बाकी अब देखो ना सिस्टम उज्जैन है अभी यंग सामने पोस्टर टक्या रही है महाकाल, इस लाइन को म्यूट कर देंगे। सही में आप क्या क्या कह रहे हो पंडित जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप ये बताइए। किसी का नाम सारा बंद कर लिया अपना नाम बोलो, फिर भी आपने भी क्या लाइन बोली आप पता है आपको, पर कैसे हो सकता है पक्कीस हेड तो बीजेपी का झंडा टकरा दी।
यही हमारे वीरेंद्र भाई है बीजेपी सपोर्टर, इन्होंने लगभग करोड़ रुपए से ज्यादा लगा दिए राजवर्धन सिंह राठौड़ को सब कुछ करने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए। जैसे कभी भी वो इस रास्ते से जाते थे, जयपुर से दिल्ली जाते थे, तो वीरेंद्र भाई घरों के रुक के जाते थे, उनमें इनका कम से कम एक बार स्टे का लग वो 5 लाख रुपए खर्च होता था। बहुत पैसे अपने पास, वो कई बार रुके, इतना पैसा उसका खर्च हुआ फिर भी नौकरी नहीं लगी है। ये देखिए पंडित जी लग रहे हैं सिस्टम के, बाकी आपको मंदिर के बाहर जाके सिस्टम सेट कराते हैं, दिखाते हैं क्या चक्कर है। टाटा भाई वाह, क्या नाम है, श्री राम यादव 2002। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मोहन भाई की हालत, रास्ता बताते बताते सारी रात में, और अब जा रहे हैं महाकाल जी के मंदिर से पहले थोड़ा स्नान करने, क्योंकि हमारे शरीर में जो गंद भरी है, जो दुष्ट विचार भरे हैं, उन सबको निकाल देंगे हम जैसे ही हम शिप्रा नदी में डुबकी लगा देंगे। अपने सिस्टम ले लिया है नहाने का सौदा, नहाने के बाद पहनने का सौदा ले लिया है, बाकी हम सारे भाई मिलके जा रहे हैं, बाकी हम सारे भाई मिलके जा रहे हैं शिप्रा पथ, शिप्रा नदी, जहाँ पे हम सारे स्नान करेंगे। ए, विलोक करवा दे शिप्रा।